हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.4। तो एक्सरसाइज यहाँ पर 4.4 हमने शुरू कर दी है और इसमें सबसे पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है, प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 क्या है, इसको समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। अगर आपके लिए अस्तित्व होगा तो हल करना है, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं हल करना है। अच्छा, अस्तित्व को चेक कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले हम यहां पर बताते हैं आपके लिए समीकरण का अस्तित्व चेक करना। समीकरण का अस्तित्व, सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। अच्छा, अस्तित्व चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में एक समीकरण दी होगी, और जो समीकरण दी होगी उसके लिए यहाँ पर जानते हो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा। और डी जो होता है इसके लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर होता है आपके लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसका मान, अगर d का मान ग्रेटर देन जीरो है यानी जीरो से बड़ा है तो हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व है। क्या है इसका? इसका अस्तित्व होगा। अगर d लेस देन जीरो है, d का मान अगर कम है जीरो से तो अस्तित्व नहीं होगा, यानी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगर यह बात होगी तो यहां पर आप देख लीजिए कि अगर d का मान ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव में है तो यह अस्तित्व रखेगा, अगर निगेटिव में है तो यह अस्तित्व नहीं रखेगा। अब आपको यहां पर समीकरण दी हुई, आप उससे आराम से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो पहला समीकरण हम यहां पर लिख रहे हैं आपके लिए, समीकरण यह है 16x² बराबर में 24x प्लस का 1, यह दे रखा है। अब आपके लिए इसको सॉल्व करना है, तो 16x² माइनस का 24x माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहां पर आपके लिए क्या करना है, यहां पर आपके लिए सिंपली इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें d का मान निकालना है, तो d बराबर होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी b का मान है माइनस का 24, 24 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुणे a का मान है यहां पर 16 और c का मान है आपके लिए यहां पर माइनस का 1। c का मान है माइनस का 1, आप गुणा करते हैं 24 का गुणा करेंगे यहां पर 24 से, तो 4 चक्के 16 का 6 यहां से लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चक्के 8 और 2 दूनी 4, तो यहां 6 और 9 8 17 का 7 यहां से लगा 1, 4 और 1 5, 576। तो आपके लिए यहां पर आ गया 576 और माइनस का, यहां माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा प्लस और 16 की 4 से गुणा हो जाएगी तो यहां पर 64 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। आप देखिए यहां पर प्लस का हो गया और इसी तरीके से आप यहां पर जोड़ लीजिए, तो 576 और प्लस का 64, तो 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 6 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 640 हो गया। इसका मतलब ये अगर d ग्रेटर देन 0 आया यानी पॉजिटिव में आया है तो आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपके लिए इसका अस्तित्व होगा। तो हम लिख सकते हैं अस्तित्व है, अस्तित्व है, इस समीकरण का अस्तित्व हो गया। और अस्तित्व हो गया तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, फिर से इसका फार्मूला लगा देंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर होता है माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में हो गया 2a। तो सॉल्व करेंगे, माइनस का बी यानी माइनस का यहां पर बी का मतलब हो गया यहां पर 24, तो माइनस माइनस का 24 और प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस का 24 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान आपके लिए है यहां पर 16 और इंटू सी का मान है आपके लिए यहां पर माइनस का 1। तो इस तरीके से हो गया अपॉन में 2 है, 2 इंटू ए का मान है आपके लिए, ए का मान है आपके लिए 16, तो ए का मान है 16।
अब रख दिया। इसी तरीके से अब यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे, माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया आपके लिए 24 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 24 का वर्ग करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा 576। तो इस तरीके से 576 हो गया और प्लस माइनस की गुणा माइनस प्लस 16 3 48, 16 4 64 ये हो गया और बटे में हो गया आपके लिए 32 ये हो गया। अब सिंपली आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर इनको जोड़ लेंगे तो हमने जोड़ के यहाँ पर दिखाया भी है 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1 7 6 13 14 का 4 हासिल लगा 5 और 1 6 640 आपके लिए आ चुका है और बटे में आपके लिए 32 है। और सिंपली 640 के लिए हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 640 के लिए यहाँ पर देखिए वर्गमूल इस तरीके से, तो यहाँ पर वर्ग बन गया 2 की गुणा 2 से यहाँ पर 4 है, 6 में से 4 गया आपके लिए आ गया 2 और आपके लिए बचा यहाँ पर 4 0 जोड़ा उतार लिया। तो इसी तरीके से आपके लिए करेंगे आगे 2 और 2 4 हो जाएगा और ऐसा नंबर डालें कि यहाँ पर जो है कट जाए पूरी तरीके से ये, तो 4 के यहाँ पर नंबर डाल के देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर आप डाल के देख लीजिए, यहाँ पर 1 डालूंगा तो 41 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर रखते हैं 2 से 4 बार में ये हो गया, फिर आपके लिए 2 आ गया 240 है, तो आप 2 डाल के देख लो 2 से 2 4 और 2 6 8 ये बहुत कम है। अब आप अगला नंबर डाल के देखिए, अगला आप डाल दीजिए यहाँ पर इसी तरीके से 5 डाल दो, कितना आ जाएगा 5 25 का 5 हासिल लगा 2 5 को 20 और 2 22 225 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 225 आपके लिए नहीं लेना है, आप सिंपली अगला करके देख लीजिए 6 डाल दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए 6 6 36 का 6 3 6 24 3 27 276 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर डाल सकते हैं आपके लिए 5, तो 5 डाल सकते हैं यहाँ पर और 5 से ही गुणा कर देंगे तो इसका मतलब हुआ 25 और फिर पॉइंट लग जाएगा, यानी 24 प्लस माइनस 25/32 ये कर सकते हैं और एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं, तो 24 प्लस 25 बटे में 32 कर सकते हैं और ये कर सकते हैं 24 माइनस 25 और बटे में आपके लिए 32 इस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 मूल आपके पास प्राप्त हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर इसका सलूशन हो जाएगा। अगर मूल अस्तित्व में है, मूल अगर अस्तित्व में है तो उसके लिए मूल आएंगे भी, ठीक है ना। तो यह पहला प्रश्न है जो कि हमने आपके लिए बता दिया है, अब दूसरा प्रश्न कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए इसका दूसरा पार्ट है, उसमें अस्तित्व को चेक करेंगे यहाँ पर। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर हमारा है x² + x + 2 = 0 ये पार्ट है। अब इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिये a का मान हो जाएगा 1 और b का मान भी हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। तो d का मान चेक करेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर d बराबर b² - 4ac चेक करेंगे तो देखिए b का मान हमारे पास 1 1² - 4 × a का मान हमारे लिए 1, c का मान 2 है, तो 1² - 4 × 8 यानी -7 आ गया। अब ये -7 आ गया यानी d < 0 हो गया यानी कम हो गया, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, आपने देख लिया यहां पर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपके लिए थर्ड प्रश्न है, देखिए थर्ड प्रश्न क्या है, थर्ड ये है कि यहां पर 3x² और प्लस 2√5x और यहां पर -5 = 0 ये सवाल है। इसके लिए यही आपको सॉल्व करना है, a = 3 और b = 2√5 और c = -5 ये। अब इसका b² - 4ac निकाल कर देखेंगे तो d = b² - 4ac तो b का मान हमारे पास है 2√5, इसका स्क्वायर करेंगे -4 × a का मान है 3 × c का मान है -5 ये आ गया। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और -4 × 3 = 12 12 × 5 = 60 यहाँ पर, तो प्लस का हो जाएगा 60, तो 5 × 20 हो गया और प्लस 60, तो यहाँ पर आपके लिए आ गया 60 और 20 मिला करके आपके लिए 80 हो गया।
तो ये आ गया आपका लेट डी, और ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो जब डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब समीकरण का अस्तित्व है, इस समीकरण का अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो यहां पर इसके मूल भी निकाल के दिखाते हैं आपके लिए। तो माइनस का बी होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन में टू ए। तो देखिए माइनस का बी है और बी यहां पर कितना हमारे पास टू रूट फाइव, तो माइनस का टू रूट फाइव और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा यहां पर मान लिख लेते हैं। पूरा कितना मान आया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये 80 आया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको रूट लगा देंगे तो रूट 80 हो जाएगा और बटे में 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 3। तो ये जाएगा माइनस का टू रूट फाइव प्लस माइनस 80 को फैक्टर कर लो, तो दो से काटो, दो चक्के आठ जीरो, दो से 20 बार में, फिर दो से 10 बार में, फिर दो से पंजे, फिर पाँच एकम पाँच। तो यहाँ जोड़ा बन गया दो का चार बाहर आ जाएगा, यानी फोर रूट फाइव हो जाएगा और बटे में 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो और चार छः रूट फाइव और बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, रूट फाइव आपका यहाँ पर एक मूल आ गया। इसी तरीके से एक बार माइनस करेंगे तो टू रूट फाइव माइनस फोर रूट फाइव और बटे में आपके लिए 6 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चार और दो 6 रूट फाइव और बटे में यहाँ पर आपके लिए आ गया। यहाँ पर जरा आपके लिए क्या करना है, एक बार प्लस लिया था तो यहाँ पर इसको माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस वाला कर लो, तो ये माइनस में आ जाएगा रूट फाइव। यहाँ पर अगर प्लस में करेंगे तो यहाँ घट जाएगा, चार में से दो गया, दो बचेगा, कितना बचेगा दो, तो यहाँ पर टू और यहाँ पर रूट फाइव और बटे में 6 बचेगा, दो एक कम दो, दो तीन 6, यानी रूट फाइव अपॉन 3 इसका दूसरा मूल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, इसका पहला मूल आया माइनस का रूट फाइव और दूसरा मूल रूट फाइव अपॉन 3 आया है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरी समीकरण भी आपके लिए सॉल्व हो गई है। अब आपके लिए इसका पार्ट नंबर 4 बताएं। देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए यहाँ पर चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर चौथा पार्ट ये लिखा है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 8√3 बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्व ऐसे करेंगे, यहाँ पर a का मान है आपके लिए रूट थ्री और b का मान है यहाँ पर 10 और c का मान है यहाँ पर माइनस का 8√3। अब सॉल्व करेंगे, पहले d को निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का मान है 10, 10 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a का मान हमारे पास है रूट थ्री और c का मान है हमारे पास माइनस का 8√3। अब 10 का स्क्वायर हो गया 100 और माइनस का गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस का गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की 8 से करा दो 32 हो जाएगा और रूट तीन की गुणा रूट तीन से 3 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर d निकाल रहे हैं। अगला क्या हो जाएगा, 100 प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी यहाँ पर 6 और 3 दिया 9, 96, तो ये हो गया 196। डी का मान 196 आ गया, यानी इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो इस समीकरण का अस्तित्व होगा, इस समीकरण का अस्तित्व है क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव है। अगर निगेटिव आता तो हम कहते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, तो यहां पर अस्तित्व है तो इसलिए इसका मान निकालेंगे। इस समीकरण का मान अस्तित्व में है, ठीक है। अगर अस्तित्व में है तो इसका मान भी निकाल के आपके लिए दिखा दे रहे हैं। तो माइनस का बी होता है पहले, तो माइनस लगाया मैंने और बी का मान यहां पर आप देख सकते हैं 10 है, तो माइनस का 10 हो गया और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक आया आपके लिए 196, तो यहाँ पर रख लेते हैं 196 और बटे में 2 गुणे ए, ए का मान है हमारे पास यहाँ पर रूट थ्री, कितना है रूट थ्री। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस माइनस 196 का जब वर्गमूल होता है वो होता है 14 और बटे में 2√3। तो आप इसको सॉल्व कर लो, एक बार प्लस में माइनस 10 प्लस 14 बटे में 2√3, तो 14 में से 10 गया आपके लिए बचेगा यहाँ पर 4 और बटे में 2√3, 4 से ये काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ 2√3 आ गया, 2/√3। इसी तरीके से दूसरा मूल निकाल लेंगे, माइनस का 10
माइनस का 14 और बटे में 2√3, तो 14 और 10 जोड़ लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 24 और बटे में 2√3, 2 से काट देंगे 12 से कट जाएगा तो हो जाएगा 12/√3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आ गया है आपके लिए सिंपली सॉल्व होके। तो आपके लिए ये सवाल हो गया। अब पांचवा पार्ट लास्ट पार्ट बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है, तो पांचवा पार्ट आपके लिए कराएंगे। देखिए पांचवा पार्ट क्या है, यहां पर लिखा है 2x² माइनस का 2√6x और प्लस का 3 = 0, ये लिखा है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, ए बराबर होगा 2, बी का मान होगा माइनस का 2√6 और सी का मान होगा आपके लिए 3। कर लेंगे b² - 4ac, बी का मान है -2√6² और माइनस का 4 इंटू ए का मान हमारे पास 2 इंटू सी का मान है 3, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा और माइनस का 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो ये आ गया आपके लिए 6 × 24 - 24 यानी 0। और 0 भी पॉजिटिव होता है यानी d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका भी हम जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, माइनस का बी यानी माइनस का बी करोगे तो प्लस का 2√6 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर रूट के अंदर 0 आ जाएगा और बटे में 2 × a का मान है आपके लिए 2, तो हो जाएगा 2√6 / 2 × 4 यानी 2 से काट देंगे 2 × 1 = 2, 2 × 4 √6/2 इसका जो है मूल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी प्रश्न था, हमने आपके लिए सॉल्व करके बताया, इसके पहले पार्ट जो पहला प्रश्न था उसके सभी पार्ट आपके लिए सॉल्व हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में जब हम आपके लिए मिलेंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे उनके बारे में यहाँ पर पूरा बताएंगे और इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए चलेंगे अगली एक्सरसाइज में।